माय नेम इज प्रोफेसर नीलेश खंडेरिया फ्रॉम नोबल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। चलिए, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज के बेसिक सम्स कैसे होते हैं। अब इस वीडियो में हम दो सम डिस्कस करने वाले हैं और वो थोड़े एडवांस है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सम नंबर 5 से। हमारी पूरी सीरीज का सम नंबर 5 है ये। उसमें आपको एक कंपनी की बैलेंस शीट दी गई है और थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपको उस पर से फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज और ऑपरेटिंग लीवरेज फाइंड करना है। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले देखिए, लायबिलिटी साइड इक्विटी दी गई है, डिबेंचर दिए गए हैं, रिटेन अर्निंग दी गई है, करंट लायबिलिटीज दी गई है, असेट साइड फिक्स असेट, करंट एसेट, दोनों असेट दी गई है। उसके बाद टेल अगर हम इन्फॉर्मेशन देखें तो उसमें थोड़ी सी चीजें हमें दी गई है, देखते हैं। द कंपनीज टोटल एसेट टर्नओवर इज 3 times इट्स फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज ₹1 lakh एंड इट्स वेरिएबल कॉस्ट इज 40% ऑफ सेल्स, टैक्स रेट है 40%। अब देखिए, अब अगर यहां पर हम सम करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले तो हमें सबके फॉर्मूला याद होने चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला आप सामने देख सकते हो, यहां पर लिखे गए हैं। उसके बाद आपको सिंपल क्या करना है, इन फॉर्मूला में जो भी आइटम आ रही है वो हमें फाइंड करनी है, मतलब कंट्रीब्यूशन फाइंड करना है, ईबीआईटी फाइंड करना है, ईबीआईटी, ईबीटी, कंट्रीब्यूशन, ये सब हमें फाइंड करना है। अब उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, इनकम स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होगा हमें, सेल्स। क्या चाहिए होगा, सेल्स। अब चलिए, सेल्स अगर हमें चाहिए हो तो सिंपल यहां पर सेल्स डायरेक्टली तो नहीं दिए गए, लेकिन उसकी एक इंफॉर्मेशन हमें यहां पर दी गई है। चलिए देखते हैं तो क्या दिया गया है। द कंपनीज टोटल असेट टर्नओवर इज 3 times। इसका मतलब सिंपल ये क्या होगा, कंपनी की टोटल असेट जो भी है, असेट टर्नओवर रेशियो उसका 3 times है। तो हम असेट टर्नओवर रेशियो का पहले फॉर्मूला पढ़े हुए थे। असेट टर्नओवर रेशियो का सिंपल ही फॉर्मूला क्या होता है, टर्नओवर, टर्नओवर को आप क्या बोल सकते हो, सेल्स भी बोल सकते हो, अपॉन टोटल एसेट। अब देखिए, टोटल एसेट तो हमें यहां पर दी गई है, असेट साइड का अगर आप टोटल लगाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल एसेट। तो यहां पर टोटल एसेट कितनी हम लिखेंगे, 2 lakh, और टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो में दिया गया है 3 times। तो सिंपली अगर यहां पर ये टोटल एसेट कहां पर दी गई है, डिनोमिनेटर में, अगर मैं इसको इक्वल टू का उस साइड ले जाऊं तो कहां पर आ जाएगी, मल्टीप्लीकेशन आ जाएगी। सिंपली हम बात करें तो यहां पर दी गई है डिवीजन में, अगर मैं उसको इक्वल्स टू के उस साइड ले जाता हूं तो वो क्या बन जाएगी, मल्टीप्लीकेशन। तो सिंपली मैंने वो यहां पर लिखा है, सेल्स इज इक्वल टू टोटल असेट टर्नओवर रेशियो इनटू टोटल असेट। अब देखिए, टोटल असेट टर्नओवर रेशियो हमें कितना दिया गया है, 3 times, तो मैंने लिख दिया 3 इनटू टोटल असेट हमारी कितनी आई, 2 lakh, तो मैंने लिखा 2। तो सिंपली 2 lakh इनटू अगर आप 3 करते हो तो कितना आता है, 6 lakh, तो हमारा टोटल सेल्स कितना आ गया, 6 lakh। तो चलिए हम इनकम स्टेटमेंट में सेल्स हम लिख देते हैं 6 lakh rupees, ठीक है, ये हमने सेल्स लिख दिया। अब यहां पर हमें कहा गया है, इट्स वेरिएबल कॉस्ट इज 40% ऑफ सेल्स, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, आपका जितना भी सेल्स होगा उसकी कितने परसेंट होगी, 40%। तो सिंपली हम 40% करते हैं इसका, 6 lakh टोटल सेल्स है इंटू 40 divided by 100, तो कितना आएगा, 2 lakh 40 thousand। तो चलिए हमारी वेरिएबल कॉस्ट टोटल कितनी आ गई, 2 lakh 40 thousand, ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन में कैसे मिलता है, सेल्स में से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हो तो आपको क्या मिलता है, कंट्रीब्यूशन। तो सिंपली सेल्स में से हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, सेल्स दी गई है 6 lakh माइनस वेरिएबल कॉस्ट हमें कितनी मिली, 2 lakh 40 thousand, तो हम माइनस करते हैं तो हमें कितना मिला कंट्रीब्यूशन, 3 lakh 60 thousand। तो चलिए 3 lakh 60 thousand, ठीक है। अब यहां पर हमें फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट दी गई है 1 lakh rupees। हाँ, कई लोग पता नहीं क्या सोचकर फिक्स असेट लिख देते हैं यहां पर, वहां पर फिक्स्ड कॉस्ट हमें बोला गया है, तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हमें कितनी दी गई है, 1 lakh rupees। तो चलिए यहां पर लिख देते हैं 1 lakh। अब हमें क्या चाहिए, ईबीआईटी। अगर हमें ईबीआईटी चाहिए हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन में से हमें फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी। तो 3 lakh 60 thousand कंट्रीब्यूशन है, उसमें से अगर हम 1 lakh माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 2 lakh 60 thousand। तो हमारा ईबीआईटी कितना हो गया, 2 lakh 60 thousand rupees, ठीक है। अब चलो DOL तो हम यहां से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि DOL का फॉर्मूला क्या है, डॉल का, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। अब कंट्रीब्यूशन हमें यहां पर कितना मिला, 3 lakh 60 thousand, तो हम लिखते हैं 3 lakh 60 thousand डिवाइड बाय ईबीआईटी, हमें कितना मिला यहां पर,
260,000, तो चलिए लिख लेते हैं 260,000। अब इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा देख लेते हैं। 360,000 डिवाइड बाय 260,000 हमें आंसर मिला। आंसर में कितना मिला? 1.38। हमारा आंसर हो गया 1.38। तो चलिए लिख देते हैं यहां पर 1.38 टाइम्स। ठीक है, टाइम्स अगर आप भूल गए तो आपका आधा मार्क कट जाएगा। उसके बाद अब देखिए यहां पर हमें अब आगे के फॉर्मूले के लिए क्या चाहिए होगा। अब हमें DFL और DCL के लिए हमें क्या चाहिए होगा? एक्स्ट्रा EBT यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स। तो हमें EBIT में से क्या माइनस करना पड़ेगा? जितनी भी हमारी इंटरेस्ट की कॉस्ट है वो माइनस करनी पड़ेगी। तो चलिए वो हमें ये मिलेगी बैलेंस शीट में से। अब देखिए बैलेंस शीट का सिर्फ इतना ही काम है कि देखो यहाँ पर डेट कितना दिया गया है। अब 80,000 वो डिबेंचर हमने इशू किए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%, मीन्स के एवरी ईयर हम कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 10%। अब देख लेते हैं 80,000 इंटू अगर आप 10/100 करते हो आपको पर्सनल इंटरेस्ट की कॉस्ट कितनी आ रही है 8,000। तो सिंपली हम यहां से 8,000 माइनस करते हैं तो 260,000 EBIT आया हमारा। उसमें से हम माइनस करते हैं 8,000 हमारा इंटरेस्ट, तो कितना EBT बचा हमारे लिए 2,52,000। तो चलिए EBIT हमें मिल गया 2,52,000। अब सिंपली DFL हमें फाइंड करना है तो DFL का फॉर्मूला क्या है? EBIT अपॉन EBT। तो EBIT हमें मिला 2,60,000 डिवाइड बाय EBIT हमें कितना मिला 2,52,000। तो सिंपली हम कैलकुलेशन कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं आंसर क्या आ रहा है वो। अब देखिए यहां पर 2,60,000 डिवाइड बाय 2,52,000, तो यहां पर आंसर कितना मिल रहा है 1.03 टाइम्स। कितना मिल रहा है? 1.03 टाइम्स। तो हमने लिख दिया 1.03 टाइम्स। अब देखिए कितना आंसर मिला 1.03 टाइम्स। चलिए उसके बाद DCL का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। अब देखिए कंट्रीब्यूशन हमें यहां पर दिया गया है 3,60,000 और EBIT हमें मिला 2,52,000। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं, पहले लिख देते हैं यहां पर। चलिए कंट्रीब्यूशन हमें कितना दिया गया है 3,60,000 डिवाइड बाय EBIT हमें कितना मिला 2,52,000। तो चलिए 2,52,000। अब चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करने के लिए हम सिंपली कैलकुलेटर में आप देख सकते हो 3,60,000 डिवाइड बाय 2,52,000। तो सिंपली हमें आंसर कितना मिला 1.4428 यानी कि आप 1.43 इजीली लिख सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पर आंसर लिख देते हैं 1.43 टाइम्स। तो चलिए हम यहाँ पर सिंपली आंसर लिख देते हैं 1.43 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पर हमारा सम हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट सम से शुरुआत करते हैं, सम नंबर 6 इस सीरीज का। अब देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपको कोई भी बीच में क्वेश्चन हो तो आप बीच में ही कमेंट करिए नीचे, यानी कि मुझे पता चले मैं आपको वहीं पर उसका आंसर दे सकूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम ये शुरुआत करते हैं हम, सम नंबर 6 है। तो देखो सम नंबर 6 में थोड़ा नया क्या है, नया यहाँ पर ये दिया गया है हमें। एक तो फिक्स कॉस्ट दो तरह की दी गई है, यानी कि हमें सिचुएशन ए और सिचुएशन बी दोनों में ऑपरेटिंग लिवरेज या जो भी दिया गया होगा वो हम फाइंड करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर या आप बोल सकते हो कॉस्ट स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर या तो आप बोल सकते हो कॉस्ट स्ट्रक्चर। सिंपली कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है अगर आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो कैपिटल स्ट्रक्चर या तो कॉस्ट स्ट्रक्चर का मीनिंग यही होता है कि आपके पास जो भी कंपनी में कैपिटल पड़ी हुई है उसमें से ओनर्स फंड कितना है यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल कितनी है, डेट कितना है। इन तीनों का हम रेशियो या तो हम अमाउंट देखते हैं, ये हमारी जो भी कैपिटल जिस तरह से हमने इकट्ठी की हुई है उसको हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर सिंपली। अब देखिए यहां पर फाइनेंशियल प्लान का मीनिंग क्या होता है? सिंपली यही होता है कि हमारे पास हमें फाइनेंस चाहिए तो हमारे पास दो प्लान है, या तो हम फाइनेंशियल प्लान ए सिलेक्ट कर सकते हैं या फाइनेंशियल प्लान टू सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी के ऊपर बहुत सारे डिसीजन मेकिंग के भी एग्जांपल्स आते हैं, हमें ग्रेजुएशन लेवल पे तो नहीं आएंगे लेकिन CACS में इसमें डिटेल्ड एग्जांपल भी आते हैं जिसमें डिसीजन मेकिंग भी करना पड़ता है। हम थोड़ा बहुत डिसीजन मेकिंग सीखेंगे लेकिन डिटेल में नहीं सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सम, पहले देख लेते हैं इसमें क्या हमें दिया गया है। कैलकुलेट द फाइनेंशियल लिवरेज ऑपरेटिंग लिवरेज अंडर सिचुएशन ए बी।
दोनों सिचुएशन में, ए और बी दोनों सिचुएशन में हमें ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल दोनों लिवरेज फाइंड करने हैं। उसके बाद फाइनेंशियल प्लान वन एंड टू ऑल्सो रिस्पेक्टिवली, और फाइनेंशियल प्लान वन एंड टू रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेटिंग टू द ऑपरेशन एंड कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ साहा लिमिटेड। ठीक है, चलिए, प्रोडक्शन एंड सेल्स दिया गया है 800 यूनिट्स, सेलिंग प्राइस दी गई है 20 रुपीज पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट हमें दिया गया है 15 रुपीज पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट हमें दो दी गई है, यानी कि सिचुएशन ए में है 800 और सिचुएशन बी में है 1500, और कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कि कॉस्ट स्ट्रक्चर उसमें हमें दो फाइनेंशियल प्लान्स दिए गए हैं। अब देखो, फाइनेंशियल प्लान तो कब हम कंसिडर करेंगे, फाइनेंशियल लीवरेज कंसिडर, जब हम फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट करेंगे तब हम इसको फाइनेंशियल प्लान्स को कंसिडर करेंगे, यानी कि ऑपरेटिंग लीवरेज में इन दोनों फाइनेंशियल प्लान का हमें कुछ भी काम नहीं है, किसमें, ऑपरेटिंग लीवरेज में। तो चलिए पहले हम सिंपली ऑपरेटिंग लीवरेज देख लेते हैं, उसके बाद हम यहां पर आते हैं। अब देखिए, ऑपरेटिंग लीवरेज में हमारे पास सिचुएशन ए और सिचुएशन बी है। अब सिचुएशन ए और बी में सिंपली फर्क कितना है, फिक्स कॉस्ट का फर्क है और कुछ भी चेंज नहीं है। तो चलिए सेल्स, पहला तो टोटल सेल्स इन रुपीस कितना आएगा, हमने सेल्स किए हैं 800 यूनिट्स और सेलिंग प्राइस क्या है पर यूनिट 20, तो अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं 800 इंटू 20 तो कितना आया, 16,000 रुपीस, मतलब सेल्स हमारा टोटल हो गया 16,000 रुपीस। दोनों सिचुएशन में सेम ही रहेगा क्योंकि सिचुएशन ए और बी में सिर्फ फिक्स कॉस्ट का फर्क है और कुछ भी चेंज है नहीं। तो चलिए वेरिएबल कॉस्ट देख लेते हैं। अब वेरिएबल कॉस्ट हमें कितनी दी गई है, 15 रुपीज पर यूनिट, देख सकते हैं आप कितनी दी गई हमें क्वेश्चन में, 15 रुपीज पर यूनिट। तो चलिए 800 यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इंटू 15 रुपीज हमारी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी कितनी आ जाएगी, 12,000। तो चलिए ये दोनों में लिख लेते हैं 12,000। ओके, अब कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे मिलेगा आपको, सेल्स में से आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन। तो चलिए यहां पर हमारा सेल्स कितना है 16,000, उसमें से हम कॉन्ट्रीब्यूशन में कितना दिया गया है उसमें से हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे। चलिए यहां पर कॉन्ट्रीब्यूशन हमने लिख दिया सिंपली 16,000, उसमें से अब वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन। अब यहां पर हमें वेरिएबल कॉस्ट कितनी मिली, 12,000, तो सिंपली हम माइनस करते हैं 12,000, तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आया, 4,000। तो चलिए यहां पर हम लिख देते हैं 4,000, दोनों सिचुएशन में सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों सिचुएशन में सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट सेम ही है। अब यहां पर चेंज आएगा, सिचुएशन ए में हमें फिक्स कॉस्ट दी गई है 800 रुपीज, कितनी दी गई है 800 रुपीज, हम यहां पर लिख देते हैं 800 सिंपली। और सिचुएशन बी में हमें कितनी दी गई है फिक्स कॉस्ट, 1500, तो हम यहां पर 1500 लिख देते हैं। चलिए अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट या तो ईबीआईटी, वो कैसे मिलता है, कंट्रीब्यूशन में से आप फिक्स कॉस्ट माइनस करते हो तब आपको क्या मिलता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या तो ईबीआईटी। तो चलिए यहां पर दोनों सिचुएशन में फिक्स कॉस्ट अलग अलग दी गई है, यानी कि ईबीआईटी दोनों सिचुएशन का अलग अलग होगा। ठीक है, तो पहले हम सिचुएशन ए उसका ईबीआईटी फाइंड कर लेते हैं। 4000 हमें कॉन्ट्रीब्यूशन मिला था, उसमें से हम फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, फिक्स कॉस्ट कितनी दी गई है यहां पर 800, तो सिंपली ईबीआईटी हमारा कितना आया, 3200। तो चलिए लिख लेते हैं 3200। उसके बाद सिचुएशन नंबर बी में कॉन्ट्रीब्यूशन तो सेम ही है 4000, तो चलिए सिंपली लिख देते हैं 4000, उसमें से हम माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट सिचुएशन नंबर बी में कितनी दी गई है, 1500, तो माइनस सिंपली हम करते हैं 1500, तो यहां पर हमारा ईबीआईटी कितना मिला हमें, 2500, तो सिंपली हम लिख देते हैं 2500। अब देखिए, सबसे पहले हम सिचुएशन ए में ड्यूएल फाइंड कर लेते हैं। अब ड्यूएल का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, सिंपली ड्यूएल का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। अब कंट्रीब्यूशन हमें कितना मिला था, 4000, ईबीआईटी हमें मिला 3200, तो सिंपली 4000 अपॉन 3200 हमने यहां पर लिख दिया। उसके बाद हम फाइंड कर लेते हैं ड्यूएल का आंसर। अब देखिए 4000 डिवाइड बाय 3200, तो हमें आंसर मिला 1.25, तो सिंपली हम यहां पर लिख देंगे हमारा आंसर 1.25 टाइम्स। ठीक है, ये हमारा आंसर यहां पर हमने लिख दिया। और सिचुएशन ए में हमें ऑपरेटिंग लिवरेज कितना मिला, 1.25 टाइम्स सिंपली। चलिए उसके बाद चलते हैं सिचुएशन
बी पर। अब सिचुएशन बी में भी ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। यहां पर भी हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन तो सेम ही रहेगा 4000 रुपीज, तो चलिए लिखते हैं 4000 डिवाइड बाय हमें ईबीआईटी सिचुएशन बी में कितना मिला 2500। तो सिंपली हम डिवाइड करते हैं 2500, तो हमें यहां पर ऑपरेटिंग लीवरेज कितना मिला 1.6। तो सिंपली हम यहां पर लिख देते हैं 1.6 टाइम्स। तो यहां पर हमें सिचुएशन ए और सिचुएशन बी दोनों में ऑपरेटिंग लीवरेज मिल गया कितना 1.25, और सिचुएशन बी में मिला 1.6 टाइम्स। ठीक है, अब चलते हैं फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज हमें यहां पर दो ही लीवरेज फाइंड करने को बोले गए हैं। चलिए अब यहां पर अगर हम देखें तो फाइनेंशियल लीवरेज फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ इस ईबीआईटी में से सिर्फ एक ज्यादा इंटरेस्ट हमें माइनस करना पड़ेगा, सिर्फ एक इंटरेस्ट हमें माइनस करना पड़ेगा। अगर हम इंटरेस्ट माइनस कर दें तो हम कर देते हैं तो हमें क्या डायरेक्टली मिल जाएगा ईबीटी। यानी कि यहां तक तो दोनों सिचुएशन में सब कुछ सेम ही रहेगा, आइदर इट इज फाइनेंशियल प्लान वन और फाइनेंशियल प्लान टू। अब देखिए यहां पर हम फाइनेंशियल प्लान पहले देख लेते हैं हमें क्या फाइनेंशियल प्लान दिए गए हैं। अब देखो इंटरेस्ट के लिए हमें डेट कंसिडर करना है। फाइनेंशियल प्लान वन में डेट कितना है 5000, फाइनेंशियल प्लान टू में डेट कितना है 2000। कॉस्ट ऑफ डेट दोनों का सेम है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों पर कितना है 10%। अब देखिए इक्विटी हमें यहां पर कुछ काम की नहीं है, जब कभी भी हम ईपीएस फाइंड करेंगे तब हमें इक्विटी का भी मतलब जितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मिलेगा उसका भी हमें काम रहेगा, लेकिन यहां पर हमें सिंपली इक्विटी कैपिटल का यहां पर हमें कुछ काम है नहीं। तो चलिए सिंपली यहां तक तो पूरा सेम ही आएगा, तो सिंपली मैं ऊपर से लिख देता हूं। तो सेल्स हमने लिख दिया 16000, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट कितना मिला था 12000, तो मैंने भी लिख दिया 12000। चलिए कॉन्ट्रीब्यूशन में कितना मिला था ऊपर 4000, यहां पर भी लिख दिया 4000। इसके बाद फिक्स कॉस्ट, यहां पर सिचुएशन ए ही है तो यहां से आपको थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। सिचुएशन ए में फिक्स कॉस्ट कितनी है ओनली 800 रुपीज, तो हम दोनों जगह पर लिखेंगे 800 रुपीज। ठीक है, बिकॉज सिचुएशन नंबर बी का हमने यहां पर बनाया हुआ है। अब देखिए ईबीआईटी हमें कितना मिला दोनों जगह पर 3200, यहां दोनों जगह पर हमने लिख दिया 3200। ओके चलिए अब हमारा काम शुरू होता है कैपिटल स्ट्रक्चर का। अब देखिए फाइनेंशियल प्लान वन ही हमें अभी पहले सोल्व करते हैं, उसके बाद फाइनेंशियल प्लान टू में जाते हैं। अब फाइनेंशियल प्लान वन में हमें डेट कितना दिया गया है 5000, अब उसका कॉस्ट ऑफ डेट यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। यानी कि आप एवरी ईयर 5000 का आपने डेट उठाया है उसमें आप 10% रिटर्न दोगे अपने डेट होल्डर्स को। ठीक है, तो सिंपली फाइनेंशियल प्लान वन में 5000 का डेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10, तो मैं करूंगा इंटू 10 अपॉन 100, तो कितना आया इंटरेस्ट 500। तो सिंपली यहां पर फाइनेंशियल प्लान वन में हमारा इंटरेस्ट कितना आएगा 5000, तो हमने लिख दिया 5000। अब चलिए फाइनेंशियल प्लान वन पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फाइनेंशियल प्लान टू में चलते हैं। अब फाइनेंशियल प्लान वन में ईबीआईटी हमें कितना मिला 3200, तो 3200 उसमें से हम क्या माइनस करेंगे तो हमें ईबीटी मिलेगा, उसमें से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट, उसके बाद हमें क्या मिलेगा ईबीटी। तो चलो ईबीआईटी में से हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं, ईबीआईटी हमने लिख दिया है 3200, सिंपली हम माइनस करते हैं उसमें से 500, तो हमारा ईबीटी कितना आएगा 2700। तो हम ईबीटी यहां पर लिख देते हैं 2700। चलिए अब उसके बाद डीएफएल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, क्या होता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। अब ईबीआईटी यहां पर कितना मिला हमें 3200, अब ईबीटी हमें यहां पर कितना मिला 2700, तो सिंपली हम स्टेप करेंगे 3200 अपॉन 2700। तो चलिए डीएफएल का फाइनेंशियल प्लान वन में हमें आंसर क्या मिलेगा देख लेते हैं, 3200 अपॉन 2700, तो हमें यहां पर आंसर मिला 1.185, यानी कि हम 1.19 सिंपली हम कर देंगे 1.19 टाइम्स। चलिए ये हमें मिल गया आंसर फाइनेंशियल प्लान वन में। अब चलते हैं फाइनेंशियल प्लान टू की ओर। अब फाइनेंशियल प्लान टू में डेट कितना दिया गया है 2000 रुपीज टोटल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम ही है 10%, तो हमें यहां पर देखना पड़ेगा हम एवरी ईयर इंटरेस्ट कितना पे करते हैं, तो 2000 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, तो कितना हमें हम इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं एवरी ईयर 200।
हम सिंपल यहां पर इंटरेस्ट में लिख देंगे 200। अब देखिए हम ईबीआईटी में से क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट तो हमें मिल जाएगा ईबीटी, यहां पर 3200 हमारा ईबीआईटी है, 200 हम माइनस सिंपली कर सकते हैं ऐसे ही, तो 200 हमने माइनस किया तो हमें कितना मिला ईबीटी, 3000। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला तो सेम ही है डीएफएल का, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, तो ईबीआईटी हमें यहां पर मिला 3200 अपॉन ईबीटी मिला यहां पर 3000, तो हमने यहां पर लिख दिया 3200 अपॉन 3000। चलिए हम यहां पर कैलकुलेशन कर लेते हैं सिंपली, 3200 अपॉन यानी कि डिवाइड 3000, तो हमें आंसर कितना मिला 1.06666 कंटिन्यू है, तो हम कितना लिख देंगे सिंपली 1.07 टाइम्स। चलिए ये हमें मिल गया सिचुएशन नंबर ए में, फाइनेंस प्लान वन और फाइनेंस प्लान टू का डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। चलिए हम चलते हैं अब सिचुएशन नंबर बी में, चलिए अब हम चलते हैं सिचुएशन बी में। अब देखिए सिचुएशन बी में भी सेल्स तो सेम ही रहेगा 16,000, तो सिंपल मैं यहां पर लिख देता हूं 16,000। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट कितना रहेगा 12,000, तो सिंपली मैं यहां पर भी लिख देता हूं दोनों जगह 12,000। कॉन्ट्रीब्यूशन भी सेम रहेगा 4,000, तो सिंपली मैं यहां पर दोनों जगह लिख देता हूं 4,000। अब देखिए फिक्स्ड कॉस्ट यहां पर कितनी दी गई है सिचुएशन बी में 1,500, तो यहां पर दोनों जगह मैं लिखता हूं 1,500, तो मुझे ईबीआईटी कितना मिलेगा 2,500, तो दोनों जगह मैं लिख देता हूं 2,500। अब चलिए अब हमारा मेन काम आया, फाइनेंशियल प्लान वन में हमारा डेट कितना है 5,000, उसका 10% हमने किया ही था, कितना मिलता है इंटरेस्ट 500, तो सिंपली हम यहां पर लिख देंगे 500। उसके बाद 2,500 में से हम 500 माइनस, चलिए हमें ईबीटी कितना मिलेगा 2,000, उसके बाद सिंपली हम यहां पर लिख देते हैं ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, डीएफएल का हमारा फॉर्मूला, डीएफएल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, तो सिंपली 2,500 अपॉन 2,000। ठीक है, अब हम यहां पर अगर डिवाइड करते हैं इसका 2,500 डिवाइड बाय 2,000, तो हमें आंसर मिलता है 1.25। तो चलिए डीएफएल का हमें सिचुएशन बी में फाइनेंशियल प्लान वन के नीचे आंसर कितना मिल गया, हमें डीएफएल का आंसर सिचुएशन बी में अंडर फाइनेंशियल प्लान वन आंसर कितना मिला 1.25 टाइम, तो सिंपली हम यहां पर लिख देते हैं 1.25 टाइम्स। ठीक है, ये हमारा आंसर यहां पर हो गया। उसके बाद चलते हैं फाइनेंशियल प्लान टू में। अब फाइनेंशियल प्लान टू में हमें इंटरेस्ट कितना पे करना था एवरी ईयर 200, यहां पर हमने फाइंड कर लिया, यानी कि हम दोबारा कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, सिंपल यहां पर लिख रहे हैं 200। ठीक है, अब 2500 में से अगर आप 200 माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा 2300 ईबीटी मिलेगा आपको। अब डीएफएल का फॉर्मूला क्या होता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, हमें यहां पर ईबीआईटी मिला 2500, ईबीटी मिला 2300, तो मैं 2500 डिवाइड बाय 2300 यहां पर करूंगा, तो मुझे डीएफएल का आंसर कितना मिलेगा, चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं यहां पर हमें आंसर क्या मिलेगा, तो 2500 डिवाइड बाय 2300, तो आंसर यहां पर हमें मिला 1.086, यानी कि मैं यहां पर लिखूंगा 1.09, तो सिंपली चलो मैं लिख देता हूं 1.09 टाइम्स। चलिए ये हमें आंसर मिल गया सिचुएशन नंबर बी अंडर फाइनेंशियल प्लान टू। ठीक है, यहां पर हमारा ये सब भी होता है कंप्लीट, आगे के जो भी लेक्चर्स आएंगे हम यहां पर थोड़ा थोड़ा हमारा लेवल अप करेंगे, यानी कि आपको भी थोड़ा समझ में आए। चलो अब देते हैं आपको आज का होमवर्क, जो आपको कल रात 12 बजे तक कर गूगल क्लासरूम में अपलोड करना है। चलिए तो ये 3 क्वेश्चन आपको आज हम होमवर्क में दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। ठीक है, ये आपको सिंपली क्या करना है, आपको पहले लिखना है, एकदम पेज के बीच में आपको अपना नाम लिखना है, उसको हाईलाइट करना है, और उसके बाद गूगल क्लासरूम में जो हमने असाइनमेंट क्रिएट किया हुआ है उस पर आपको जाकर अपलोड कर देना है सिंपली। चलिए ये आप पोस्ट करके देख सकते हो क्वेश्चन क्या दिए गए, स्क्रीनशॉट लेकर आप रख लीजिए, उसके बाद आपको जब कभी भी सॉल्यूशन करने का मन हो, आज के दिन में कर ही लेना पड़ेगा, तब आप सॉल्यूशन कर लो। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों से करवाइए। टेक केयर, बाय बाय।